हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं सोई नहीं, इसलिए देख सकते हैं मेरा आँख पूरा सूजा सूजा सा लग रहा है। मैं आज सोच नहीं पाई और थोड़ा सा काम भी घर में बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए तो आज मैं ब्लॉग बनाने के मूड में नहीं थी। तो अभी बैठी हुई थी, जस्ट सोची चलो आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं आपका नाम क्या है, नाम क्या है, तो मैंने सोचा चलो भाई आज अपना इंट्रोडक्शन ब्लॉग ही बना लेती हूँ। और तो कुछ बनाने के लिए आज तो था नहीं, इसलिए मैंने सोचा आज ब्लॉग नहीं डालूंगी। तो चलिए मैं इसमें बताऊंगी कि मैं मेरा नाम क्या है और मैंने चैनल क्यों बनाया और कहाँ तक पढ़ी लिखी हुई हूँ, कहाँ से मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मेरे बाबू का नाम क्या है, मेरे हस्बैंड का नाम क्या है, ये सब आज बताऊंगी। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम सुप्रिया सिंह है और मेरे पति का नाम चंदन सिंह। और हाँ, मैंने जो ये चैनल बनाया है, आयांश, आयांश मेरा नाम नहीं, आयांश मेरा मेरे बेटे का नाम है। तो मेरे बेटे का नाम आयांश सिंह है, तो इसलिए। और मेरी पढ़ाई पूरी पूरी हुई बिहार से, मेरी पढ़ाई पूरी बिहार से हुई। उसके बाद मेरी शादी हो गई है झारखंड में, स्टेट मेरा चेंज हो गया शादी के बाद। मेरी पढ़ाई, मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मगर अभी किसी कारण, किसी रीजन के कारण मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। मैं जब झारखंड आई शादी के बाद, तो यहाँ पे मैंने कंपटीशन क्लास ज्वाइन किया हुआ था जॉब के लिए कि मैं तैयारी कर, जॉब की तैयारी करूंगी। लेकिन कुछ महीनों के बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया, तो मैं मेरी मतलब पढ़ाई भी छूट गई वो कोचिंग में। और उसके बाद मैंने जो सारा पैसा लगाया हुआ तो वो भी सारा डूब गया। उसके बाद फिर बाबू होने के बाद तो मैं उसको फिर ज्वाइन भी नहीं कर पाई। मैं उसका तक चलो कोरोना के बाद मैं ज्वाइन करूंगी, लेकिन फिर बाबू हो गया तो बाबू को ही मैं सोची, बाबू पर ध्यान देना बहुत जरूरी, क्योंकि बच्चे को समय पे अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो बच्चा आगे चल के खराब ही हो जाता है, अच्छा नहीं होता वो। इसलिए मैंने अपना पढ़ाई छोड़ दी और अपने बाबू पे भी ध्यान दे रही हूँ। और हाँ, चैनल मैंने किस लिए बनाया, चैनल मेरा बाबू होने के बाद थोड़ा सा बिजी हो ही गई थी और उसके मेरी पढ़ाई भी नहीं हो रही थी अभी। तो बस ऐसे ही मन में ख्याल आया, मन भी एक दिन नहीं लग रहा था, चुकलो चलो YouTube पर अपनी नई फैमिली बनाते हैं आप लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो इसलिए मैं YouTube पर जुड़ी और मेरे चैनल का नाम था, आप लोगों को पता ही होगा, आयांश एंड मॉम ब्लॉग्स। अगर आप उस पर पहली बार जाते हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताया कीजिए। सो जब मेरी शादी हुई तो उस टाइम मैं शायद 21 की थी उस टाइम। उसके बाद मेरी उस टाइम इंटर का मैंने एग्जाम, इंटर एग्जाम के बाद ही मेरी शादी हुई है, और सब मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हुई शादी के बाद ही। तो दोस्तों ठीक है, आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।